स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करते हो? डोंट वरी, ये बहुत ही आम समस्या है जो फील हर कोई करता है, लेकिन उसका सलूशन कोई भी ढूंढना नहीं चाहता। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ जो आप इमोशनल ईटिंग के दौरान फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, अपनी ट्रिगर्स का पता लगाएं। ध्यान दें कि वो कौन से सिचुएशन या इमोशन है जो आपको खाने की तरफ मोड़ देती है। अपने ट्रिगर्स का पता लगाना हमारे इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने का पहला कदम है। स्टेप 2, हेल्दी अल्टरनेटिव्स। आप अपने खाने की चीज को हेल्दी अल्टरनेटिव्स के साथ चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप अनहेल्दी चिप्स की बजाय रोस्टेड मखाना या तो चना चाट यूज कर सकते हो, आइसक्रीम की बजाय फ्रूट स्मूदी का यूज कर सकते हो। स्टेप 3, माइंडफुल ईटिंग। अपने अनुभवों, स्वाद और टेक्सचर पर ध्यान दें। अपना खाना धीरे धीरे खाए, वही खाना आपको अपने ओवर ईटिंग से भी बचाएगा और अपने शरीर से जुड़े संकेतों पर भी आपका ध्यान जाएगा। स्टेप 4, मैनेजिंग स्ट्रेस। योगा, मेडिटेशन एंड मॉर्निंग वॉक जैसी एक्टिविटीज को अपनी रूटीन लाइफ में इंक्लूड कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज होता है और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इंक्रीज होता है। स्टेप 5, हेल्थ। If you're facing this problem from high side, then do take advice from professionals. Don't hesitate to share this. आइए साथ में मिलकर स्ट्रेस को हराएं और अपने ओवरईटिंग की संभावनाओं को कम करें।